ये हिलता हुआ वीडियो एक टैंकर के भीतर खुफिया ढंग से फिल्माया गया था। खुफिया इसलिए क्योंकि इसमें जो दिख रहा है वो इस जगह नहीं होना चाहिए। आपको कुछ दिखा? फिर से देखिए, ये रहा। ये है बिल्ज पंप, जहाज इसका इस्तेमाल विषैले कचरे को गैर कानूनी तौर पर महासागर में फेंकने के लिए करते हैं। इसे बिल्ज डंपिंग कहा जाता है। समंदर के लिए एक भयंकर पर्यावरणीय तबाही। सबसे पहले जानते हैं बिल्ज वाटर क्या है। बिल्ज जहाज का सबसे निचला हिस्सा होता है। यहाँ पर जमा होने वाले पानी को बिल्ज वाटर कहते हैं। ये बात अलग है कि ये पानी नहीं होता। ऐसे जहाजों की विशालकाय मशीनों में पाइपों का सिस्टम भी पेचीदा होता है। इनका इंजन बसों से बड़ा होता है। ये हैवी फ्यूल ऑयल से चलते हैं। पाइप लीक हो सकते हैं, तेल रिसाव हो सकता है और इंजनों को ठंडा और साफ करना होता है। ये तमाम द्रव बिल्ज में जमा होते हैं और ये नजारा देखने लायक नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तेल जानवरों की मौत की वजह बन सकता है। इस बिल्ज वाटर में तेल मिला होता है, दूसरे कई केमिकल और धातुएं भी। तेल मछलियों और परिंदों का दम घोंट सकता है, उन्हें जहरीला बना सकता है। वे बच भी जाएं तो उनकी संतानें नहीं बचेंगी। ये एक सामान्य स्वस्थ मछली का लार्वा है और ये तेल की चपेट में आया हुआ लार्वा है। नतीजा, दिल का आकार छोटा, धड़कन धीमी और बचने के चांस कम। बिल्ज वाटर इतना जहरीला होता है कि इससे निपटने के लिए 50 साल से ज्यादा समय से नियम कानून हैं। लेकिन हमारे महासागरों में क्या हो रहा है, ये आसमान से भी दिखता है। ये ऐसी समस्या है जो मुझे अपने करियर के दौरान निजी रूप से सताती रही है। ये हैं जॉन एमोस। उन्होंने 20 साल पहले बिल्ज डंपिंग की समस्या का पता लगाया और स्काई ट्रूथ की स्थापना की। हम एक स्वयंसेवी संगठन हैं जो दुनिया भर में पर्यावरणीय मुद्दों पर सैटेलाइट इमेजरी के जरिए रोशनी डालते हैं। यूं कहिए, रडार सैटेलाइटों के जरिए। 20 साल पहले ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी थी। हमने जो सीखा वो महासागर में तेल की परत को पहचानने में बड़े काम का निकला। इस तकनीक का इस्तेमाल पहले से ही हो रहा था। जब आपको एक ही जगह पर हमेशा तेल की हल्की सी परत मिलती है तो ये साफ संकेत है कि वहाँ नीचे चट्टानों में तेल होगा। लेकिन हालात उलट गए हैं। उन्हीं तस्वीरों में हम हमेशा पानी पर ये गहरी धारियाँ देखा करते हैं जो प्राकृतिक नहीं हैं। ये उसी जगह से गुजरे जहाज से निकले तेल की परत होती है। और इसका कारण है बिल्ज डंपिंग। और उस परत को देख लेने के बाद भी उसके लिए जिम्मेदार जहाजों की पहचान का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। इमेज भेजने में सैटेलाइट को घंटों लग जाते हैं, तब तक जहाज बहुत दूर जा चुका होता है। बहुत हताशा हुई। लेकिन AIS के आते ही सब कुछ बदल गया। ये है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी इसकी जरूरत पड़ती है ताकि जहाज एक दूसरे से टकरा न जाएं। जहाजों को अब एक रेडियो सिग्नल के जरिए अपनी पोजीशन भेजनी होती है। सैटेलाइट सिग्नल को पकड़ते हैं और जहाज की गतिविधि दर्ज करते हैं। हमें सैटेलाइट इमेज के जरिए सटीक समय और जगह का पता चल जाता है। फिर हम उन वायु प्रसारणों को देखते हैं जो उस समय और जगह के सबसे करीब से मैच करते हैं, और फिर उसे स्क्रीन पर रखते ही किसी जहाज के रास्ते और तेल की परत के रास्ते का सही सही मिलान हो जाता है। एल्गोरिदम को इस तरह बनाया गया है कि वो संभावित रिसाव को स्वतः पहचान ले। एक साल में अकेले यूरोपीय संघ की समुद्री सीमा में 1500 संभावित डंपिंग स्थल मिले हैं। इस तरह फेंका गया तेल 1989 के एक्सन वाल्डेज तेल रिसाव का कमोबेश 5 गुना है। ये रिसाव बदतरीन पर्यावरणीय संकटों में से एक था। डंपिंग स्थलों की संख्या और ज्यादा भी हो सकती है। कमाल की बात यह है कि किसी को इसका पता भी नहीं है, तो फिर कंपनियों को जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जाता? रडार में और भी फीचर हैं। कुछ सैटेलाइट इमेज तेल की परत जैसी दिखती हैं। ये मछली का तेल, वनस्पति तेल या दूसरे पदार्थों से रिसने वाला द्रव भी हो सकता है।
ये अभी किसी भी अदालत में पर्याप्त नहीं है, लेकिन दूसरी चीजों को मिलाकर एक कानूनी मामला बनाने के लिए ये एक मजबूत सबूत के रूप में काम आ सकता है। और ये सबूत तभी बनेगा जब जमीन पर मौजूद कोई व्यक्ति इसकी पुष्टि करे। हम लोग एक पुलिस वैन में हैं और एक बड़े मालवाहक जहाज का मुआयना करने जा रहे दो पुलिस अधिकारियों के साथ जा रहे हैं। हेलो कैप्टन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हम लोग मारपोल का मुआयना करेंगे। ये विशाल चीज मोटर है। जहाजों की मोटर अविश्वसनीय रूप से बड़ी होती हैं। वे हर रोज टनों बिल्ज वाटर पैदा करती हैं। जरा इसका आकार तो देखिए। ये गंदा पानी यहाँ नीचे जमा होता है। हम लोग जहाज के बिल्ज में हैं। ये उसका सबसे निचला हिस्सा है। और आखिरकार ये बिल्ज वाटर इस ऑयली वाटर सेपरेटर के जरिए निकल जाता है। इसके जरिए अच्छा और खराब द्रव अलग अलग हो जाता है। अच्छा द्रव पानी में छोड़ा जाता है, खराब वाले को जमा करके अगले बंदरगाह पर निकाला जाता है। मुआयना पूरा हुआ। कैप्टन, ये रहा हमारे इंस्पेक्शन का अटैचमेंट बिना किसी कमी के। इस बार समस्या नहीं निकली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गंदा पानी समुद्र में नहीं जा रहा। तटरक्षक दल थोड़े से ही जहाजों का मुआयना करते हैं। सिर्फ उन्हें ही चेक किया जाता है जो बंदरगाह पर लगे होते हैं, बीच समंदर में नहीं, जहां गंदा पानी गिराया जाता है। सैटेलाइट के भेजे चित्रों की तस्दीक करने वाले जमीन पर भी हैं। इन जहाजों की आवाजाही पर नजर रखते हैं विसिल ब्लोअर्स। हेलो, कैसे हैं आप? How are you? मैं ठीक हूँ, थोड़ा थका हुआ हूँ। आप कैसे हैं? ये उन 5 विजिल ब्लोअर्स में से एक हैं जिनसे हमने बात की। पहचान छिपाने के लिए हम इनके नाम नहीं दे रहे हैं। उनके विवरण से हमने एक 3D मॉडल तैयार किया कि बिल्ज में जमा पानी कैसे फेंका जाता है। ये है बिल्ज टैंक और ये है कुख्यात बिल्ज पंप। हमने ये किया कि बिल्ज टैंक से पानी निकालकर क्लीन ड्रेन टैंक कहलाने वाले दूसरे टैंक में पानी डालने के लिए उस पंप का इस्तेमाल किया। हमारे पास उसकी सामग्रियां सीधे बाहर छोड़ने की सुविधा भी है। और ये रही बिल्ज डंपिंग। लेकिन कुछ सकारात्मक चीजें भी हुई। नए तरह के रडार इमेजिंग सैटेलाइटों में मल्टीपोलर मल्टी फ्रिक्वेंसी रडार सिस्टम लगे होंगे। फिर हम पता लगा सकेंगे कि किस तरह का पानी छोड़ा जा रहा है और हम तेल की परत की मोटाई के बारे में भी तब कुछ पुख्ता तरीके से कह पाएंगे। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर होती जा रही है कि एक दिन दोषियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त होगी। तब तक हम लोग इसे रोकने के लिए विसिल ब्लोअर्स के भरोसे ही हैं। जब तक जहाज पर कोई बंदा नहीं होगा तब तक किसी को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी जांचों में उनकी गवाहियां अहम होती हैं, लेकिन महासागरों की हिफाजत के लिए हम महज उनके साहस पर निर्भर नहीं रह सकते।